दोस्तों मैं हूं राजेश, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडप्रोटेक में। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेट कोक पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे कंपनी जैसे रेन इंडस्ट्रीज, गोवा कार में बहुत सारी कंपनियों पर इसका इम्पैक्ट आया है और इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 9 अक्टूबर को है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबल जजमेंट हो सकता है और इसका इम्पैक्ट रेन इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन और जो दूसरे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, नालको, हिंडाल्को, वेदांता, इस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा रिकैप दे दूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने चार इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया है कि वो पेट कोक को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चार इंडस्ट्रीज़ है, गैसिफिकेशन इंडस्ट्री जिसमें मोस्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है, सीमेंट है, लाइन क्लाइम एंड कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्रीज। जब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट नीडिल कोक के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है और जिसका इम्पैक्ट एचजी ग्रेफाइट इंडिया पे आएगा, तो लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था और कमेंट में लिखा था कि पहले आप नीडिल कोक के बारे में पढ़ो, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको बता दूँ कि एचजी ग्रेफाइट इंडिया ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलकर काफ़ी लॉबिंग की है और फाइनली उसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने नीडल कोक के इंपोर्ट से बैन को हटाया है। एल्युमिनियम एंड स्टील कंपनी को 2 महीने के लिए, नेक्स्ट हियरिंग के लिए जो कि 9 अक्टूबर को नेक्स्ट हियरिंग है, तब तक के लिए उन्होंने बैन को लिफ्ट किया है। और कैल्शियम कंपनीज जो कि मोस्ट इम्पैक्टेड है वह है, जो जिसमें कि रेन इंडस्ट्रीज अभी आता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस बैन से, और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो इन्वेंट्री है बहुत ही लिमिटेड है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सीमेंट कंपनी को इम्पोर्ट से इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, तो लोगों का कहना है कि जब सीमेंट कंपनी को परमिशन मिल गई है तो फिर कैल्शियम कंपनी को क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीमेंट कंपनी यूज करती है वो होता है लो ग्रेड पेट कोक और जिसमें कि सल्फर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको पॉल्यूशन का चांस भी ज़्यादा होता है। लेकिन होता क्या है कि सीमेंट कंपनी जब इसे फ्यूल के लिए यूज करती है तो मैक्सिमम इसे ऑब्जर्व कर लेती है और सल्फर एनवायरमेंट में बहुत ही कम आता है, जिससे कि पॉल्यूशन होने का चांस कम होता है। जबकि कल्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पेट कोक को पार्शियली बर्न किया जाता है और इससे क्या होता है कि सल्फर कंटेंट एनवायरमेंट में ज़्यादा आएगा और उससे पॉल्यूशन होने का डर भी ज़्यादा है, इसी वजह से उन्होंने पेट कोक के इम्पोर्ट पर बैन लगाया है। अब जब 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होगा उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि वो बैन को कम्प्लीटली रिमूव कर दें, हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि सभी कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव किसी कंपनी के लिए नहीं है। बस ये है कि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, जिस तरह से पॉल्यूशन पहले हो रहा था उसी तरह पॉल्यूशन होता रहेगा, इसलिए इसका चांसेस कम है कि वो बैन को कम्प्लीटली लिफ्ट करें। अभी सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कंडीशनली बैन को लिफ्ट करें, वो कंपनियों को ये कहे कि आप न्यू BIS नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। इस केस में सभी कंपनियों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेना होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये चेक करेंगे कि जो पॉल्यूशन लिमिट है लिमिट के अंदर है या नहीं है। न्यू सर्टिफिकेशन लेने में, इंस्पेक्शन में उन्हें ऐसा करने में 4 to 6 वीक टाइम लग सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन के साथ बैन को लिफ्ट करे। अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव उन कंपनियों के लिए होगा जिनके पास मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, और जिनके पास नहीं है उन्हें ऐसा इंस्टॉल करना होगा जिसमें कि उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी गुड न्यूज़ होगा। रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, सभी एल्युमिनियम कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। नेगेटिव किन के लिए होगा, गोवा कार्बन के लिए हो सकता है, क्योंकि गोवा कार्बन का जो प्लांट है 3 different places पे है, 3 different states में है, और मुझे लगता नहीं कि उनके पास ये इक्विपमेंट इंस्टॉल है, उन्हें शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि एल्युमिनियम स्टील कंपनी के लिए तो बैन को हटा दें, लेकिन जो कल्सनर कंपनी है उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाएं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगाएं, उन्हें कंपलसरी कर दें कि जो हाई सल्फर स्क्रबर होता है वो इक्विपमेंट उन्हें कंपनी में लगाना होगा, तभी वो पेट कोक को इंपोर्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। तो इसका पॉसिबिलिटी भी बहुत ही हाई है, कैसा कर सकते हैं कि आप सल्फर स्क्रबर को लगाइए, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। और इससे पॉजिटिव क्या होगा कि जो इतने एल्युमिनियम कंपनी है उनके लिए पॉजिटिव होगा, रेन इंडस्ट्रीज के लिए भी स्लाइटली अच्छा ही है। नेगेटिव है गोवा कार्बन के लिए, अगेन
तो इसका इम्पैक्ट है जो कि इन लोगों के प्राइसिंग पे आ सकता है, क्योंकि ये जो सल्फर स्क्रबर इक्विपमेंट है ये इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ही को इंक्रीज कर देंगे। अभी जो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि एलुमिनियम के लिए तो बैन को हटा दे, लेकिन कैसिनर के लिए उनका शायद कुछ अलग डिसीजन हो, इसका भी प्रोबेबिलिटी हाई है। इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल का कहे कि अपने नॉर्म्स को और भी स्ट्रिक्ट कीजिए, कैसिनर कंपनी के लिए अलग से नॉर्म्स बनाइए, और ऐसा नया न्यू नॉर्म्स बनाने में फिर 6 to 8 week टाइम लग सकता है। तो इसका इम्पैक्ट है जो कि एल्युमिनियम कंपनी में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कंसिनर कंपनी पे, कंसिनर इंडस्ट्रीज पे थोड़ा नेगेटिव होगा। तो जिसमें कि रेन इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन पे काफ़ी नेगेटिव होगा, क्योंकि इनको फिर स्ट्रगल करना होगा अपने प्लांट को रन करने के लिए, और हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए इन्हें प्लांट शट डाउन भी करना पड़े, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है CPC का, और न्यू नॉर्म्स बनाने में गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा। हो सकता है कि इनको 2-3 महीनों के लिए प्लांट शटडाउन करना पड़ सकता है। जो फिफ्थ ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट निक्स हेयरिंग के लिए कुछ नया डेट दे दे और कहे कि इससे पहले वो गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप इस सब्जेक्ट पे थोड़ा और क्लारिफिकेशन दीजिए, और कंपनियों को भी बोल सकती है कि आप और क्लारिफिकेशन दीजिए कि बैन को क्यों लिफ्ट किया जाए, तो थोड़ा और टाइम ले सकती है। अगर ऐसा होने का चांस भी ज़्यादा है, ऐसा हुआ तो नेगेटिव ही होगा जेन इंडस्ट्री या गोवा कार्बन के लिए, और सभी कैल्सिनर कंपनी के लिए नेगेटिव ही होगा। जो सिक्स ऑप्शन है को बैन को होल्ड करे, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया था पेट को के इंपोर्ट पे, हो सकता है इसे कंटिन्यू करे। तो अगर ऐसा होता है तो इसका होने का चांसेस कम है, लेकिन ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होगा गोवा कार्बन के लिए, जेन के लिए, और हो सकता है गोवा कार्बन को कंपनी शट डाउन करना पड़े, जेन इंडस्ट्री को कंपनी कुछ महीनों का शट डाउन करना पड़े। इस केस में ये नेगेटिव होगा एल्युमिनियम कंपनी के लिए भी और स्टील कंपनियों के लिए भी नेगेटिव है, उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा जेन इंडस्ट्री से। तो इस केस में क्या होगा कि जेन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई इंडिया ऑपरेशन को बंद कर दे और इंडियन प्लांट को बंद कर दे, लेकिन इनका जो कंपनी है वो दूसरे कंट्री में भी है, वहाँ उनका बिजनेस जारी रहेगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एल्युमिनियम कंपनी पे, क्योंकि उन्हें क्या होगा कि प्री बेग्ड आयनोड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब वो इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी भी है प्लस और भी चार्जेज होगा, और अभी रुपीज़ का भी प्राइस कम हो चुका है, तो इनका जो कॉस्ट होगा पर $50 per ton इंक्रीज करना होगा। तो ऐसे केस में थोड़ा सा एल्युमिनियम कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट आएगा, और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, तो इन्हें थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट हिमाद्री स्पेशलिस्टिक केमिकल पे भी पड़ेगा, कि हिमाद्री जो है ये अपना आउटपुट है जो कि स्टील कंपनी एल्युमिनियम कंपनियों को देते हैं, तो एल्युमिनियम कंपनी को अभी नहीं दे पाएंगे और उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जो कि इजी वर्क नहीं है। अब जो मेरा कंक्लूजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा तो क्या हो सकता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है वो पेट कोक के इम्पोर्ट पर बैन लगाया है, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है इस पर किसी तरह का बैन नहीं है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जितना भी डिमांड है अभी उसका सिर्फ 25% ही इंडिया में प्रोडक्शन होता है पेट कोक का, और 75% जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है। और इससे क्या हुआ कि अगर बैन कंटिन्यू रहता है तो एल्युमिनियम कंपनी के भी ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उन्हें एनोड नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहेगी नहीं, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये नहीं चाहेगी कि एल्युमिनियम कंपनी जो है, एल्युमिनियम एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसे यहाँ पे बंद किया जाए, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालेगी। लेकिन यहाँ अभी तक पेट कोक का दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं, तो जब तक अल्टरनेटिव नहीं है तो हो सकता है कि वो बैन को कंटिन्यू न करे, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के इस बैन को हटाएगी, कुछ इन्हें एग्जम्पशन देगी, तभी ये कंटिन्यू कर सकते, तभी इंडस्ट्री जिंदा रह पाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि पूरा कम्प्लीटली बैन नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसका उपाय निकालेगी। और एक और बात यह है कि अभी देखा आपने कि रुपीज़ का प्राइस बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही फॉल हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, इम्पोर्ट डिक्रीज हो, तो जब रुपीज़ का प्राइसिंग कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट कम हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट इम्पोर्ट पर बैन लगा रही है, वो अगर बैन नहीं भी लगाती है तो भी इम्पोर्ट स्लोली कम हो जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि बैन को कम्प्लीटली ना लगाए। मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि थोड़ा हियरिंग के लिए और भी टाइम ले और कुछ नए नॉर्म्स के साथ इसे बैन को हटाए,
क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो अच्छा ही होगा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बैंगलोर में जो ग्रेफाइट इंडिया का जो कंपनी है वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट लोगों के प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वहाँ जाकर सर्वे किया था और उन्होंने देखा कि वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट तो है लेकिन वो सही वर्क नहीं कर रही है। तो मतलब बहुत सारी कंपनियों में पॉल्यूशन कंट्रोल ऑलरेडी है, बस उसे ठीक करने की जरूरत है उसे अब। तो चलिए देखते हैं कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है। उससे डिपेंड होगा कि जो रेन इंडस्ट्रीज है, एल्युमिनियम कंपनीज है, उनके शेयर प्राइसिंग पे इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम मार्केट को हैंडल करना होगा। आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने रेन इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन, HAG और एल्युमिनियम कंपनी इंडस्ट्रीज, स्टील कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं उनके लिए शायद ये न्यूज़ बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो उन्हें कल का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उन्हें देखना होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।